मकर राशि वालों, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आप सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों का ध्यान रखते हैं। यदि आपका कोई दुश्मन भी आपसे विनम्रता पूर्वक बात करे या आपके सामने झुक जाए तो आप उसे मुश्किल से निकालने की कोशिश करते हैं। आप परिवार की जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन एक बात आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वो है आपका अहंकार। अगर कोई आपको ठेस पहुंचाता है तो आप बिना बदला लिए शांत नहीं बैठते। यह अहंकार आपका विनाश कर सकता है। जब आप छोटी छोटी बातों पर अटक जाते हैं तो यह आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए अपने अहंकार को एक तरफ रखिए, थोड़ा सा झुक जाइए और आगे बढ़िए। ध्यान मत दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, अपने लाभ पर ध्यान केंद्रित कीजिए, बस यही आपके लिए काफी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में कभी भी खुद के बनाए गड्ढे में नहीं गिरोगे। मैं आपको अंदरूनी सलाह दे रहा हूं। नमस्कार प्रिय मकर राशि वालों, जनवरी 2024 के लिए यह विशेष मासिक राशिफल आप सभी का स्वागत करता है। मैं आपके कर्म क्षेत्र, आय, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, संतान जैसे हर महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करूंगा। अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा अगर आपके परिवार में कोई अस्थिरता है। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उसके अनुसार देखें, नहीं तो लग्न नाम के अनुसार देखें। यह ग्रहों के गोचर पर आधारित एक सामान्य भविष्यवाणी है। यदि आपको लगता है कि आपके बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता है तो अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली दिखाएं। इससे आपको अपने बारे में और अधिक सटीक जानकारी मिलेगी। हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, लागू शुल्क बताया जाएगा। शुल्क जमा करने के बाद ही आप सेवा प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि 2024 के शुरुआत में मकर राशि वालों के करियर क्षेत्र कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के करियर के स्वामी शुक्र होते हैं। 18 जनवरी तक शुक्र आपकी कुंडली के आया में स्थित है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है। मैं सीधी बात करता हूं, घुमाकर नहीं। 2024 में कुछ ग्रहों का समर्थन कर्म क्षेत्र को बेहतर बनाने में मदद करेगा। 18 जनवरी तक नई नौकरी और व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि होगी। जिन्हें लगता था कि नौकरी बदलने के अच्छे मौके नहीं मिल रहे हैं, उन्हें भी 18 जनवरी तक कुछ अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। इस अवधि में टूटे हुए रिश्ते और संपर्क भी बहाल होंगे। शुक्र 18 जनवरी के बाद द्वादश चला जाएगा, इसलिए जिनका व्यापार विदेशों से जुड़ा हुआ है या जिनका आयात निर्यात विदेशों से होता है, उनके लिए यह ठीक रहेगा। अन्य लोगों को चाहिए कि 18 जनवरी के बाद अपने वरिष्ठों, विशेष रूप से पिता के साथ संबंध बेहतर बनाए रखें। कोई भी जोखिम न लेना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मैं आपको सिर्फ सावधान कर रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आपको इसे समझना चाहिए। आइए जानते हैं कि जनवरी माह में विदेश यात्रा कैसी रहेगी। मकर राशि वालों के लिए जनवरी माह में विदेश यात्रा संबंधी बहुत अच्छे समाचार आएंगे, लेकिन वे समाचार 14 जनवरी के बाद आएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में सुख का कारक मंगल 14 जनवरी के बाद 12वें भाव में प्रवेश करेगा। और मंगल का 12वें भाव में होना, जो समुद्र से संबंधित स्थान है, विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग की ओर इशारा करता है। इसका विस्तृत विवरण शुक्र देगा। 18 जनवरी से कुछ लोगों को वीसा, ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों से जुड़ी समस्याएं हो रही थीं। 14 जनवरी से ये समस्याएं ठीक होने लगीं। प्रिय मकर राशि वालों, आइए जानते हैं कि इस साल आपकी आय की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके धन भाव में पूरे वर्ष शुभ ग्रह विराजमान रहेंगे और राहु की दृष्टि भी आप पर नहीं पड़ेगी। मेरे मन में जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जाग उठी है। मकर राशि के जातक होने के नाते मैं 18 जनवरी तक होने वाली धन लाभ की स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करना चाहता हूं। इस अवधि में मोटी रकम की प्राप्ति होगी और धन की कोई कमी नहीं होगी। लॉटरी, सट्टेबाजी या शेयर बाजार से भी धन लाभ होगा। वेतन वृद्धि से भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा पिता और संतान से भी कुछ धन प्राप्ति होगी। 18 जनवरी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। इस दौरान पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि 18 जनवरी के बाद खर्चों पर विशेष ध्यान दें। किसी भी बड़े निर्णय से बचें।
वरना आपकी आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। भूमि, मकान, वाहन और अन्य संपत्तियों के मामले में पूरे महीने भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी, लेकिन भाई बहनों के माध्यम से कोई संपत्ति से जुड़ा विवाद या नई संपत्ति हासिल करने में कठिनाई आ सकती है। यदि ऐसा हो तो 14 जनवरी से मंगलवार के दिन से ये समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएंगी। यानी 14 जनवरी से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे धीरे धीरे हल होती दिखाई देंगी, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और अब उदय हो रहा है। 14 जनवरी के बाद माता का स्वास्थ्य सुधरेगा। पिता के साथ भी आपके बीच का तालमेल 18 जनवरी तक बहुत अच्छा रहेगा, परंतु 18 जनवरी के बाद किसी बात को लेकर पिता के साथ थोड़ा मतभेद या विवाद हो सकता है। अगर आप पिता से दूर हैं तो 18 जनवरी से पहले उनसे मिलने की कोशिश करें। अब वैवाहिक जीवन की स्थिति पर चर्चा करते हैं कि आगे कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए राहुल का पंचम दृष्टि और मंगल की अष्टम दृष्टि पूरे महीने सप्तम भाव में रहेगी, जो कि नीच का है। इसके अलावा 14 जनवरी से सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। मकर राशि के लोगों के लिए हर चीज को अच्छे ढंग से कहना मुश्किल हो सकता है। जो दिखाई देगा उसे तो कहना ही पड़ेगा। 15 जनवरी तक वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार दिख सकता है। 15 जनवरी तक शादीशुदा जीवन से जुड़े रिश्तों में भी कुछ सुधार आ सकता है, लेकिन 15 जनवरी के बाद सूर्य का सातवें भाव पर प्रभाव पड़ने और 14 जनवरी से मंगल का उदय होने से जो लोग तलाक लेना चाहते हैं या जिनका मुकदमा चल रहा है, उनके लिए राहत मिल सकती है। लेकिन बाकी लोगों को 15 जनवरी के बाद अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें और 15 जनवरी के बाद जल्दबाजी में विवाह की तारीख तय न करें। जब समय अनुकूल नहीं होगा तब विवाह संभव नहीं हो पाएगा। आप इसके लिए जो उचित समझें करें। अगर मैं कहूं तो पूरे महीने शिक्षा, संतान, लॉटरी, सट्टेबाजी और बाजार से जुड़े मामलों में उतार चढ़ाव रहेगा। मकर राशि वालों के लिए 18 जनवरी तक पांचवें भाव में ग्रहों की दृष्टि है। शुक्र किस राशि में है? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शुक्र 18 जनवरी को द्वादश में जाएंगे। अगर 18 जनवरी तक कोई इंटरव्यू दिया है या परिणाम आया है तो आप सफल होंगे। आपका लव रिलेशन लंबे समय से खराब चल रहा था, 18 जनवरी तक यह ठीक होकर सामान्य हो जाएगा। 18 जनवरी के बाद थोड़े से मतभेद रहे। शायद 18 जनवरी तक आपका संतान से दूरियां बनी हुई थीं, दोनों में बातचीत बंद हो गई थी जो फिर से शुरू होगी। जिन्होंने संतान को जन्म दिया है उन्हें संतान से धन लाभ होगा। 18 जनवरी तक की अवधि आपके लिए ठीक रहेगी। 18 जनवरी के बाद आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मैंने दूध के राशि के लोगों के बारे में सुना है कि 15 जनवरी के बाद उनके बच्चों की पढ़ाई, करियर और विवाह में सुधार होगा, इसलिए 18 जनवरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मकर राशि वालों के लिए विदेश में पढ़ाई या कमाई करने के लिए 18 जनवरी के बाद का समय अच्छा रहेगा, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य की बात करें तो 7 जनवरी के बाद थोड़ा मामूली सिरदर्द या पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपके जीवन में इस समय कुछ वित्तीय चुनौतियां आ रही हैं। कर्ज या लोन के कारण आपके ऊपर अतिरिक्त व्यय का दबाव है। इसके कारण 7 जनवरी के बाद आपके जीवन में अप्रत्याशित व्यय आ सकते हैं। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी विवाद या बाधा का समाधान 15 जनवरी से शुरू होकर पूरी तरह से हो जाएगा। मकर राशि के लोगों को उपाय के तौर पर पूरे महीने लक्ष्मी चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कठिन समय में भी संयम बनाए रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जनवरी महीने में मकर राशि वालों के लिए मिलेगी राहत। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बुरा वक्त रहा है, लेकिन 18 जनवरी से पहले आप अच्छी रणनीतियों पर काम करेंगे। 2024 के पहले महीने के लिए जो विस्तृत जानकारी दी गई थी, मैंने उसे बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि जनवरी माह के लिए दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, शेयर करें और नायक बनें।
अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी।